नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय है कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है या कभी कभी 45 वर्ष से ऊपर भी, जो लोग अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, 50 और 70 के बीच की जिनकी एज है, ऐसे लोग बहुत अधिक संख्या में सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उन्हें बहुत प्रकार की सेक्सुअल समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पुरुषों में बहुत सारे गुप्त रोग होते हैं, जैसे उनके पेनिस का छोटापन, उनके पेनिस में कड़ापन न होना, शीघ्र पतन का होना, ये सब आम बातें हैं और इनकी बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर इनकी चिकित्सा भी करते रहते हैं। लेकिन एक वृद्ध के लिए जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, वह कौन सी होम्योपैथिक औषधि ले जिससे उसकी इस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि 50+ के जो लोग हैं वे कौन सी होम्योपैथिक औषधि लें जिससे उनकी सेक्सुअल पावर बढ़े और उनमें स्टेमिना आए, उनकी शीघ्र पतन की समस्या दूर हो, उनके पेनिस के ढीलेपन की समस्या दूर हो और उनमें फिर से युवाओं जैसा जोश पैदा हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, ये सब वीडियो मैं अपने अनुभव के आधार पर बनाता हूँ कि जो मुझे इस लाइन में जो मुझे अनुभव हुआ है उस अनुभव को मैं आप सबके साथ साझा कर सकूँ। तो आज फिर एक नए अनुभव से आपको परिचित कराता हूँ। तो एक पेशेंट मेरे पास आते थे जो वृद्ध थे, उनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई थी, यानी उनकी उम्र लगभग 56-57 वर्ष के बीच में थी। तो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम थी। मैं उनको बहुत तरह की सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाई देता रहा, बहुत तरह के मैं उनको मिश्रण बना बना के देता रहा, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। तो फिर मैंने एक औषधि जिसका नाम है बेराइटा कार्ब, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास है, आप देख लीजिए, बेराइटा कार्ब इसका नाम है, बेराइटा कार्ब 200। इसका चित्र भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो मैंने फिर उनको ये बेराइटा कार्ब औषधि दी और ये बेराइटा कार्ब औषधि खास तौर पर वृद्धों के लिए बनाई गई है, वृद्धों के में ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो बेराइटा कार्ब औषधि 200 की पोटेंसी में मैंने उनको 6-6 बूंदे सुबह शाम यानी 2 समय लेने के लिए कहा। तो इस मेडिसिन ने उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट किया, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया। जो उनको ये औषधि 6-6 बूंदे सुबह शाम 2 समय लेने के लिए मैंने बताया था, तो उन्होंने इसी प्रकार ये औषधि ली और लगभग 7 से 8 दिन में उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला। तो ये दवाई खासकर उन जिनकी उम्र 50+ हो चुकी है उनमें बहुत ही अच्छा काम करती है, बेराइटा कार्ब 200। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस किस सेक्स समस्या में काम करेगी। एक तो ये ढीलेपन में भी काम करेगी, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें ढीलेपन की अगर समस्या आ जाती है तो ढीलेपन में बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ ये शीघ्र पतन में बहुत बढ़िया काम करेगी। अगर किसी को शीघ्र पतन की समस्या है तो वह भी बेराइटा कार्ब औषधि ले सकता है। और इसके साथ साथ ये अंदर सेक्सुअल पावर बनाएगी, जोश बनाएगी, जिसे हम स्टेमिना कहते हैं, स्टेमिना बनाएगी, जिससे उनमें एक नई शक्ति का संचार होगा। तो बेराइटा कार्ब औषधि 50+ वाले लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। अगर उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो बेराइटा कार्ब औषधि जरूर लें। वैसे तो बहुत सारी और भी मेडिसिन्स हैं जिनको वे ले सकते हैं, लेकिन अगर वे बेराइटा कार्ब नहीं लेंगे तो हो सकता है वे मेडिसिन काम इतना अच्छा काम ना करें। तो बेराइटा कार्ब जरूर लें, बेराइटा कार्ब 200। और ये मेडिसिन सिंगल भी काम करेगी। अगर आप कोई और मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आप केवल अगर बेराइटा कार्ब खा ले, बेराइटा कार्ब भी लेते हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तो वे लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर है तो इस औषधि को ज़रूर इस्तेमाल करें और
इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अंत में सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को।